हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। थॉमस, क्या तुम जानते हो कि हवा का जीवन में कितना महत्व है? हाँ मानस, हवा सभी प्रजाति के उत्तर जीविता के लिए अति महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हवा में ही हम ऑक्सीजन को पाते हैं। थॉमस, इस कमरे में भी तो हवा मौजूद है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस कमरे में कितनी हवा मौजूद है? बिल्कुल मानस, इसका उत्तर भी हमें गणित द्वारा मिल सकता है। अरे वाह, इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, तुम्हें तो पता ही है ना कि किसी भी वस्तु द्वारा ली गई जगह को हम उसका आयतन वॉल्यूम कहते हैं। क्योंकि इस पूरे कमरे के अंदर हवा मौजूद है, हम ये कह सकते हैं कि कमरे में मौजूद हवा इस कमरे के आयतन के बराबर ही होगी। देखो थॉमस, ये कमरा घनाभाकार है। क्या तुम्हें घनाभाकार के आयतन वॉल्यूम ज्ञात करने का सूत्र याद है? बिल्कुल मानस, किसी भी घनाभाकार वस्तु का आयतन वॉल्यूम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 फुट, 10 फुट और 8 फुट है। दोस्तों, क्या आप इस कमरे का आयतन वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिखा है, घनाभ का आयतन उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के समान है। अब बस मैं यहाँ L, B और H की जगहों पर क्रमशः कमरे की लंबाई 12 फुट, चौड़ाई 10 फुट और ऊंचाई 8 फुट लिख लेता हूँ। देखो मानस, कमरे का आयतन वॉल्यूम 960 घन फुट है। इसका मतलब इस कमरे में 960 घन फुट हवा मौजूद है। थॉमस, यदि केवल एक कमरे में इतनी हवा मौजूद है तो सोचो कि इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में कितनी हवा मौजूद होगी। उतनी तो शायद हमें गिनती भी नहीं आती होगी। हाहा, चलो अब हम अपनी दुनिया में लौटकर खुली हवा में पार्क में घूमने चले। दोनों दोस्त पार्क में टहलने चले गए। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे।